हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी बाइक को पॉलिश करके दिखाऊंगा और इसे पॉलिश करने में क्या क्या सामान लगता है और मैंने उसे कहाँ से मंगाया है ये सब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बाइक को पॉलिश करने से पहले तो इसे धोना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा गंदा है। और इसे पॉलिश करने के लिए मुझे तीन चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, जो कि हैं सिबा का ऑल इन वन पॉलिश जिसे मैं इसके बाइक के सभी पार्ट्स में यूज़ करूँगा, और दूसरा है फार्मूला वन का कार्नुबा कारवैक्स जिसे मैं यूज करूँगा इसके टंकी में, क्योंकि टंकी के पास ज़्यादा विजिबल होता है तो इसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसमें कार्नुबा कारवैक्स यूज करूँगा। और इन सबको वाइप करने के लिए मैं यूज करूँगा माइक्रोफाइबर जो मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है। तो फ्रेंड्स, बाइक धुल गई है और अभी सबसे पहले मैं इसमें आपको वैक्स पॉलिश का यूज करके दिखाऊंगा। तो इसे यूज करने के लिए फ्रेंड्स, आपको इसे जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से। आप फोम की भी सहायता से लगा सकते हैं, लेकिन मेरी उंगलियों में लगा हुआ है तो मैं उंगली से ही लगा रहा हूँ। मतलब इतना लगाना है कि अच्छे से सब में पूरा हो जाए। इसके बाद फोम के मदद से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसे अच्छी तरह से फैला लेना है सभी तरफ, और अच्छे से फैलने के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा 10 से 15 मिनट जिससे कि ये सूख जाए। इसे सूखने के बाद वाइप करना है फ्रेंड्स। वाइप भी इसे इसी तरह से करना है घुमाते घुमाते माइक्रोफाइबर की सहायता से। तो ये जब तक सूखता है तब तक मैं आपको सिबा का पॉलिश यूज करके दिखाता हूँ। का पॉलिश यूज करने में आसान है फ्रेंड्स, इसे बस छिड़कना है फोम की सहायता से, फैलाना है और इसे तुरंत ही वाइप कर लेना है, इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं इसे फोम से अच्छे से फैला लेता हूँ और इस सिबा पॉलिश का उपयोग मैं इसके पूरे बॉडी में करूँगा, टंकी को छोड़कर, क्योंकि टंकी पर मैंने वैक्स पॉलिश का यूज किया हुआ है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सर्कुलर मोशन में घुमाते घुमाते सभी जगह पे अच्छे से फैला लेना है, और फैलाने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे पोंछ देना है। पोंछने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है बाइक में और एकदम नया जैसा दिखता है। फ्रेंड्स, जैसे बाइक कुछ दिन पुरानी होती है तो उसमें चमक ज़्यादा नहीं रह जाती है, चमक घटती रहती है, तो पॉलिश के यूज करने से आप बाइक को फिर से चमका सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से पूरी तरह से पॉलिश होने के बाद बाइक किस तरह से लगता है। तो फ्रेंड्स, बाइक पूरी तरह से पॉलिश हो चुकी है और इसका जो टंकी था उसे भी मैंने वाइप कर लिया है, उसका क्लिप नहीं है। तो टंकी में वैक्स पॉलिश यूज किया है हुआ है और इसके सभी बॉडी में सिबा का पॉलिश यूज किया हुआ है, और आप देख सकते हैं बाइक किस तरह से चमक रही है, एकदम नए जैसी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। चैनल में सभी प्रोडक्ट का रिव्यू दिया हुआ है, आप चैनल में एक बार सभी प्रोडक्ट्स को देखें, उसमें प्रोडक्ट का बाय लिंक भी दिया हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था, फिर किसी नए वीडियो में, तब तक।